छात्रों, पिछली कक्षा में हमने समघात द्विघात समीकरण का अध्ययन किया है ना। उस समघात द्विघात समीकरण से जो दो रेखाएं प्रदर्शित होती हैं, जिनका संयुक्त समीकरण भी प्राप्त किया था, आज हम समघात द्विघात समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम सर्वप्रथम इसका रेखा चित्र बना लेते हैं। हमको मालूम है समघात द्विघात समीकरण से प्रदर्शित रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं, है ना। तो इसका रेखा चित्र बनेगा, ये दो रेखाएं हैं इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित, इनके बीच में कोई कोण थीटा बन रहा है। हमें थीटा के लिए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई इक्वल जीरो दिया गया द्विघात समघात समीकरण समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल जीरो समीकरण वन। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ये रेखाएं समीकरण दो रेखाओं को प्रदर्शित करती है, जिसकी प्रवणता पहली रेखा की प्रवणता M1 एवं दूसरी रेखा की प्रवणता इक्वल M2 हो तो समीकरण होगा y माइनस एम वन एक्स इक्वल जीरो एंड y माइनस एम टू एक्स इक्वल जीरो। ये दोनों जो रेखाएं हैं का सम्मिलित रूप क्या है, कौन सी रेखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। इस समीकरण को हम नाम दे दें समीकरण नंबर दो। हमको इन दो रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है, उसके लिए हमको सूत्र का निगमन करना है। y बराबर एम वन एक्स इक्वल जीरो एंड y इक्वल y माइनस एम टू एक्स इक्वल जीरो के बीच में जो कोण बन रहा है, इसको कोण हमने माना है थीटा। थीटा के लिए सूत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम दोनों को सम्मिलित रूप बनाना पड़ेगा। इन दोनों का सम्मिलित रूप यह हो जाएगा b y माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स इक्वल जीरो। हमने एक अचर गुणांक से इसको मल्टीप्लाई किया है, y माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स इक्वल जीरो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। b इक्वल मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज y स्क्वायर माइनस m2 xy एंड माइनस m1 xy एंड माइनस माइनस प्लस m1 m2 x स्क्वायर इक्वल जीरो। y1 y से y स्क्वायर, फिर हमने इससे मल्टीप्लाई किया माइनस m2 xy एंड
माइनस एम वन एक्स सीखिए तो क्या हो गया, माइनस एम वन एक्स वाई प्लस माइनस माइनस प्लस फिर एम वन एम टू एक्स स्क्वेयर। इस तरह से हमें ये बी वाई स्क्वेयर माइनस एम वन एम टू एक्स वाई माइनस एम वन एक्स वाई प्लस एम वन वाई एम टू एक्स इक्वल इक्वल जीरो के रूप में ये प्राप्त हुआ। और इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा बी वाई स्क्वेयर माइनस माइनस कॉमन निकलेगा एम वन प्लस एम टू बी एक्स वाई प्लस एम वन एम टू बी एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो। और हम इसको x के घात में क्रम से लिखे हैं तो ये हो जाएगा विच इंप्लाइज दैट एम वन एम टू एक्स स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू बी एक्स वाई प्लस ये पद यहां पे चला जाएगा बी वाई स्क्वायर इक्वल जीरो। बी वाई स्क्वायर इक्वल जीरो। अब हम जो समीकरण है इस समीकरण से चूंकि इसके द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं इसके द्वारा निरूपित रेखाएं दोनों एक ही है अतः हम क्या करेंगे दोनों समीकरणों के एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर गुणांकों की तुलना करने पर। देखिए यहां पर भी एक्स स्क्वायर है यहां पर भी एक्स स्क्वायर है यहां एक्स वाई है हियर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। गुणांकों की तुलना करने पर सॉरी ए बी बी होगा ए बी बी होगा यहां पर बी तो ये एम वन एम टू बी हो जाएगा। गुणांकों की तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा एम वन एम टू बी अपॉन क्या हो जाएगा ए इक्वल माइनस बी एम वन प्लस एम टू अपॉन टू एच एंड वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा बी अपॉन बी बी अपॉन बी बी अपॉन बी कैंसिल हो जाएगा और कितना मिलेगा हमको वन बी अपॉन बी कैंसिल आपको कितना मिलेगा वन। गुणांकों का हमने तुलना कर दिया तो यहां से एम वन इन एम वन एम टू की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी चूंकि वन है इसलिए एम वन इंटू एम टू इक्वल ए अपॉन बी और यहां पर एम वन प्लस एम टू इक्वल माइनस यहां चला जाएगा माइनस टू एच माइनस टू एच अपॉन बी। हमने एम वन एम टू ये किससे निकाला यहां से वन को लेके निकाला गया है तो एम वन एम टू इक्वल ए अपॉन बी एंड एम वन प्लस एम टू इक्वल हो जाएगा माइनस टू एच अपॉन बी। बीजगणित के सूत्र से बीजगणितीय सूत्र बीजगणित के सूत्र से m1 माइनस m2 इक्वल रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 एम टू ये बीजगणितीय सूत्र है। इस बीजगणितीय सूत्र में एम वन प्लस एम टू और एम वन इंटू एम टू का मान रखने पर मान रखेंगे तो एम वन माइनस एम टू इक्वल रूट रूट
माइनस 2h अपॉन b होल स्क्वायर माइनस 4 a अपॉन b। मान रखेंगे m1 प्लस m2 का माइनस 2h अपॉन b एंड 4 m1 इंटू m2 का हो जाएगा 1 अपॉन b। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ये हो जाएगा 4 h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4 a अपॉन b। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब देखिए यहां पर यहां बी स्क्वायर है, यहां बी स्क्वायर है, एलसीएम कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, कितना मिलेगा बी स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 4 एच स्क्वायर माइनस 4 ए बी, कितना हो जाएगा 4 एच स्क्वायर माइनस 4 ए बी। 4 4 बोथ द टर्म एंड 4 इज टेकिंग कॉमन, देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। देन m1 माइनस m2 इक्वल 4 का स्क्वायर रूट 2, देन स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए b स्क्वायर है, b स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन b स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab। किसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई m1 माइनस m2। अब दो रेखाओं के बीच का कोण जिसकी प्रवणता m1 और m2 है, दो रेखाएं दी गई है और उनके बीच का कोण थीटा है और उनकी प्रवणता m1 m2 है, तो उसके लिए सूत्र है tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण कोण इक्वल tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये सूत्र है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मान रखने पर मान रखेंगे हम tan थीटा विच इंप्लाइज दैट tan थीटा, मान रखिए ये 2 अपॉन b रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस m1 प्लस m2 का क्या हमने मान ज्ञात किया था, क्या मान ज्ञात किया था m1 अपॉन m2 का मान ज्ञात किया था a अपॉन b, a अपॉन b। अब यहां पर 1 है, 1 का कुछ नहीं तो उसके नीचे भी 1 है हर में डिनोमिनेटर में, तो हम 1 और b का एलसीएम लेकर इसको सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल 2 अपॉन b रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b प्लस a अपॉन b, b प्लस a अपॉन b। अब ये b, b प्लस a अपॉन b
इस प्रकार हो जाएगा to simplify that tan theta equal to root h square minus ab upon b into a plus b into b. Now here b and b cancel, then tan theta equal to root h square minus ab upon a plus b, a plus b. अब इसलिए कोण थीटा इक्वल टेन इनवर्स टू रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही दो रेखाओं के बीच का कोण के लिए निगमन है. कोण थीटा इक्वल टेन इनवर्स टू इंटू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. ये दो रेखाओं जिसके बीच में कोण बन रहा है न्यून कोण, उसके लिए ये निगमन है. अब यदि रेखाएं इस तरह से लंबवत हैं तो इनके बीच में कितने कोण बनेगा थीटा इक्वल. यदि दो रेखाएं एक दूसरे की लंबवत है तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा 90. कितना हो जाएगा 90. तो थीटा का मान हम अब कंडीशन याद करेंगे कि यदि दोनों रेखाएं लंबवत हो उस समय क्या हमें संबंध प्राप्त होता है. पहला, जब दोनों रेखाएं लंबवत लंबवत हों, हेंस थीटा इक्वल 90 डिग्री. जब लंबवत होंगी तो थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री. मान रखने पर किसमें मान रखेंगे, tan थीटा इक्वल जो अपन फाइंड आउट किए थे, है ना, tan थीटा इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. में थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे. तो tan 90 इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टेन 90 के मान कितना होता है, टेन 90 के मान होता है इन्फिनिटी. कितना होता है इन्फिनिटी. और ये इन्फिनिटी जब होगा जब दिए गए दूसरे पक्ष का हर कितना हो, मान जीरो. जो दिए गए दूसरे पक्ष में जो हर है उसका मान यदि जीरो के बराबर हो तो यह तभी संभव है कि जब ये इक्विलेंट कितना हो, इन्फिनिटी हो, अनंत हो. इसलिए ए धन बी इक्वल जीरो कितना मिलेगा आपको, ए धन बी इक्वल जीरो. तो यदि द्विघात समघात समीकरण के एक्स और वाई का को प्लस करने पर जीरो मिले तो इसके द्वारा प्रदर्शित जो रेखाएं हैं, निरूपित रेखाएं हैं, कैसे होती हैं, एक दूसरे की लंबवत होती है. अब दूसरी कंडीशन है कि रेखाएं जब समपाती हों, दूसरी कंडीशन है जब रेखाएं समपाती हों, जब दोनों रेखाएं समपाती हों. दूसरी कंडीशन क्या है, रेखाएं संपाती हो, कोइंसिडेंट हो, तो इस स्थिति में टेन थीटा, थीटा का मान होता है जीरो डिग्री या थीटा का मान होता है 180 डिग्री. हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड रखें तो टेन जीरो डिग्री इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी.
और टेन जीरो डिग्री का मान होता है जीरो, तो दिस इज जीरो। ये जीरो कब संभव है? जब ऊपर का पद कैसा हो? जीरो के रूप में हो। ऊपर का अंश का पद कैसा हो? जीरो हो, तभी ये जीरो संभव है। इसलिए टू स्क्वायर रूट एच ए बी इक्वल जीरो या एच स्क्वायर इंप्लाइज दैट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल जीरो देन एच इज इक्वल ए बी, ये संपाति के लिए शर्त है। तो इस तरह हमने संपाति के लिए निकाला और लंबवत के लिए निकाला कंडीशन। अब हम प्रश्नावली के कुछ सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 14.2 क्वेश्चन नंबर 8। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर जीरो द्वारा प्रदर्शित रेखाओं की प्रवणताओं का अनुपात 1:3 है, इस रेखा द्वारा प्रदर्शित प्रवणताओं का अनुपात 1:3 हो, तो सिद्ध करना है कि एच स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल 4/3। ये अपने को प्रूव करना है। दिया गया है समघात द्विघात समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखाओं के प्रवणताओं का अनुपात 1:3 हो, तो सिद्ध करना है एच स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल 4/3। हल, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हल, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल जीरो, ये दो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल जीरो, इसमें यदि इसके द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं y बराबर m1 x एंड y इक्वल m2 x जो मूल बिंदु से होकर जाती है, उनकी पहली रेखा की प्रवणता m1 और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 हो, तो m1 प्लस m2 इक्वल माइनस 2h बटा b एंड m1 इंटू m2 इक्वल ए अपॉन बी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यदि ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल जीरो दिया गया इक्वेशन है, इसके द्वारा प्रदर्शित रेखाएं वाई बराबर एम वन एक्स एंड वाई बराबर एम टू एक्स दिया है, उनमें प्रवणता का अनुपात 1:3 है, तो इन प्रवणताओं में, इनकी प्रवणताओं में संबंध होता है 1 प्लस m1 प्लस m2 इक्वल माइनस 2h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 इक्वल a अपॉन b। दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार m1 अपॉन m2 इक्वल 1/3, ये शर्त प्रतिबंध दिया गया है कि पहली रेखा और दूसरी रेखा की प्रवणता का अनुपात कितना है? 1/3 है, ये शर्त है। दिस इज कंडीशन ऑफ देयर हियर इक्वेशन। नाउ वी पुट द वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? m1, m1 क्या मिलेगा? m1 इक्वल
एम टू अपान थ्री, इससे क्या संबंध निकलेगा, ए वन अपान एम टू इक्वल वन अपान थ्री. नाउ वी शिफ्टेड एम टू हियर, देन ए वन इक्वल एम टू अपान थ्री, एम वन इक्वल एम टू अपान थ्री. अब एम वन का मान किस में रखेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो में रखने पर एम वन का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण हो जाएगा एम टू अपॉन थ्री प्लस एम टू इक्वल माइनस टू एच अपॉन बी. क्या हो जाएगा, माइनस टू एच अपॉन बी. ठीक है, हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो M2 के डिनोमिनेटर्स में कितना है, 1. ठीक है, हम 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा M2 प्लस 3M2 इक्वल माइनस 2H अपॉन B. कितना हो गया, माइनस 2H अपॉन B. देन M2 प्लस 3M2, 4M2 अपॉन 3 इक्वल माइनस 2H अपॉन B. 4M2 अपॉन 3 माइनस 2H अपॉन B. M2, इसलिए M2 का मान क्या हो जाएगा, 3 शिफ्ट हो जाएगा, M2 इक्वल माइनस 2H इंटू 3 अपॉन 4 इंटू B. नाउ 2 टाइम्स, देन M2 इक्वल माइनस 3H अपॉन 2B. M2 का क्या मान प्राप्त हुआ, M2 का मान प्राप्त हुआ माइनस 3H अपॉन 2B. माइनस 3H अपॉन 2B. M2 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण दो में रखने पर M2 का मान M2 का मान, M2 का मान समीकरण दो में रखने पर, M1 M1 हमने कहां रखा, M2 का मान M1 का मान क्या फाइंड आउट हुआ था अपना, M1 का मान मिला था M2 अपॉन 3, ये मिला था M1 का मान मिला था M2 अपॉन 3, है ना. यस, M1 का मान समीकरण दो में रखने पर M1 का मान, समीकरण दो में, इसको समीकरण तीन मान ले हम, है ना, इसको समीकरण के थोड़ा सा हम पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम. M2 के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों
में वर्ग करने पर ये हो जाएगा m2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 h स्क्वायर अपॉन 4 b स्क्वायर। किसका मान हो जाएगा स्क्वायर करने पर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब m1 इक्वल m2 by 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर यह हो जाएगा समीकरण 2 में रखने पर m2 upon 3 into m2 equal a बटा b, क्या हो जाएगा a बटा b, m2 square equal 3a upon b, कितना आ गया 3a upon b, this is equation number 4। equation number 3 और equation number 4 से, equation number 3 and equation number 4 से समीकरण 2 और समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से क्या हो जाएगा 3 a बटा b इक्वल 9 h स्क्वायर अपॉन 4 b स्क्वायर, 9 h स्क्वायर अपॉन 4 b स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं 9 h स्क्वायर अपॉन 4 b स्क्वायर इक्वल 3 a अपॉन b। देखिए 3 टाइम में कैंसिल एंड b 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमको मिलेगा 4 यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर ab इक्वल प्राप्त होगा 4 अपॉन 3, h स्क्वायर ab अपॉन मिलेगा 4 अपॉन 3, यहां शिफ्ट हो गया 3 नीचे हो गया, यहां शिफ्ट हो गया h स्क्वायर ab अपॉन 4 अपॉन 3, यही प्रूव करना था, प्रूव दैट प्रूव करना था हमको। अब हम एक दूसरा प्रश्न हल करेंगे, निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है x स्क्वायर y स्क्वायर इनटू साइन थीटा प्लस 2xy इक्वल 0, ये हमको इक्वेशन दिया है, इसके द्वारा व्यक्त जो रेखाएं हैं उसको हमको ज्ञात करना है, इनके मध्य जो सॉरी इसके मध्य जो कोण बन रहे हैं कोण का मान ज्ञात करना है। समघात द्विघात समीकरण है ना, समघात क्योंकि अपन जब इसको ओपन करेंगे तो समघात द्विघात समीकरण बन रहा है, मतलब ये समीकरण भी दो रेखाओं को व्यक्त करती है और उनके बीच में कितना कोण बनता है ये हमको ज्ञात करना है। तो हल दिया गया समीकरण x स्क्वायर साइन थीटा सॉरी इसको एक बार दिया गया समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2xy इक्वल 0, ब्रैकेट ओपन करने पर ये हो जाएगा x स्क्वायर
साइन थीटा एक्स स्क्वायर, साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा वाई स्क्वायर एंड टू एक्स वाई इक्वल जीरो। ये एक्स स्क्वायर के गुणांक हुआ, ये वाई स्क्वायर के गुणांक हुआ और ये टू एच एक्स के गुणांक हुए। इसको और अच्छा अरेंज करें तो ये साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस साइन थीटा वाई स्क्वायर इक्वल जीरो। इसको इस समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर द्विघात समघात समीकरण से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या होगी? तुलना करने पर ए क्या मिलेगा, एच क्या मिलेगा? तुलना करने पर ए इक्वल साइन थीटा एच इक्वल एच टू एच इक्वल वन देन एच इक्वल वन बी इक्वल क्या मिलेगा? साइन थीटा। मान प्राप्त हो गए हमको, तुलना किए तो ए इक्वल साइन थीटा, टू एच इक्वल टू हो जाए तो एच इक्वल वन हो जाएगा एंड बी इक्वल क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ए बी सी के मान प्राप्त हो गए। अब हम जानते हैं यदि दो कोणों का बीच, दो रेखाओं के बीच थीटा हो, अभी हमने मान ज्ञात किया था, तो उसका मान होता है टेन थीटा इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यदि हम यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच का कोण फाई माने, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण कोण फाई हो तो टेन फाई इक्वल टू, टेन फाई इक्वल टू रूट टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी। मान रखेंगे टू रूट एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मान वन स्क्वायर, ए का मान साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, मतलब साइन थीटा प्लस साइन थीटा। नाउ टेन फाइव इक्वल, टेन फाइव इक्वल टू रूट वन स्क्वायर वन एंड साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू साइन थीटा, अपॉन टू साइन थीटा, टू टू कैंसल एंड वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या वैल्यू, क्या मान मिलेगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से आप मान ज्ञात कर सकते हैं, इसका मान आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, हेंस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। रूट रूट कैंसल, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यस यस
क्या होता है, क्या वैल्यू होता है? नो, cot theta. दिस इज cot theta tan phi इक्वल cot theta. tan phi इक्वल tan phi इक्वल cot theta. अब cot को tan के, चूंकि हमको phi कोण का मान ज्ञात करना है, तो cot theta को tan के फॉर्म में हमको चेंज करना पड़ेगा. तो सूत्र होता है cot theta इक्वल tan pi by 2 माइनस theta. इसका हम उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा cot, ये हो जाएगा tan pi by 2 माइनस theta. कितना होगा? tan phi इक्वल tan phi इक्वल होगा tan pi by 2 माइनस theta. इसलिए phi इक्वल pi by 2 माइनस theta. यही दो रेखाओं के बीच का कोण का मान है. ये अभी हमने ये देखा. अब एक और सवाल हल करेंगे. इस तरह से आज हमने एक्स स्क्वायर द्विघात समघात समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखाओं के बीच के लिए हमने बीच के कोण टेन थीटा इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी और उसके रेखाओं के बीच में जो प्रतिबंध है लंबवत रेखाओं का संपाती रेखाओं के लिए संबंध ज्ञात किया. साथ ही हमने प्रश्न को भी हल किया. धन्यवाद.